तो गाइस क्या हो अगर गोल्ड पर क्लेटन करके कोडी रोड्स को चैलेंज करे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा और WWE ऐसे मोमेंट बनाने के लिए ही जानी जाती है। यानी कि WWE एक ऐसे यानी कि कंपनी है जो ऐसे मोमेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। जी हाँ, अगर थोड़ा सा आप लोग याद करें रोमन रेस के टाइटल रेन को, तो वहाँ पर भी गोल्डबर्ग ने शॉकिंग रिटर्न करके रोमन रेस को चैलेंज किया था। तो इस वजह से शायद WWE कुछ ऐसा कर सकती है कि गोल्डबर्ग फिर से रिटर्न करके कोडी रूट्स को चैलेंज करें अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, ताकि जो कोडी रूट्स का टाइटल रेन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए और WWE फैंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए कोडी रूट्स के टाइटल रेन पर। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं यानी कि कोडी रूट्स को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बने हुए 3-4 मंथ हो गए हैं, और हम काफ़ी लोगों से ये सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी आ रहे हैं कि कोडी रूट्स का जो टाइटल रेन है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। एक तो उसमें यानी कि प्रोमो स्किल नहीं है, फाइटिंग स्किल तो चलो ठीक है, प्रोमो इतनी स्किल नहीं है, और उसके जो मैचेस हैं वो भी इतने कमाल के नहीं हो रहे जिस तरह WWE ने जो WWE फैंस हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसे बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो इस वजह से अगर कोडी रोड्स के टाइटल रेन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है तो फिर किसी फॉर्मर या लेजेंड सुपरस्टार को आना ही पड़ेगा कोडी रोड्स के सामने, और कोडी रोड्स के सामने अगर कोई लेजेंड या फॉर्मर सुपरस्टार आकर चैलेंज करता है तो फिर कोडी रोड्स का जो टाइटल रेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और अगर गोल्डबर्ग रिटर्न करके कोडी रूट्स को चैलेंज करते हैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट स्टोरीलाइन बन सकती है WWE की, और WWE को भी इससे लाजमी फ़ायदा होगा क्योंकि कोडी रूट्स इस वक्त WWE के टॉप बेबी फेस करेक्टर में से एक सुपरस्टार है। तो इस वजह से बस उनका जो थोड़ा सा टाइटल रेन है वो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं जा रहा, फिट नहीं हो रहा जिस तरह से WWE चाह रही थी कि कोडी रूट्स जब अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा WWE को, जिस तरह से रोमन रेस से हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस वजह से अगर कोडी रूट्स के टाइटल रेन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट यानी उसमें ऐड करना है, तो गोल्डबर्ग को रिटर्न करना ही पड़ेगा, और गोल्डबर्ग रिटर्न करके कोडी रूट्स को कन्फ्रंट करें, क्योंकि गोल्डबर्ग का हमें पहले भी ऐसे मैच काफ़ी देखने को मिल चुके हैं, और वैसे भी अब सोदिया प्रीमियम लाइव इवेंट आ रहे हैं, तो ऐसे में WWE कुछ प्लान कर सकती है गोल्डबर्ग और कोडी रूट्स के मैच का। तो लेट्स से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग गोल्डबर्ग वर्सेस कोडी रूट्स का मैच देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट भी बताना। तो गाइस मैं तो देखना चाहता हूँ, तभी तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो का टॉपिक ही यही है। तो आप लोग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डायलॉग्स में बताना।